दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डिराइव। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पे क्या है भैया, एन आई पता है अपने को, ए ऑफ टी पता है अपने को, PEI ये भी अपने को पता है, ठीक है। तो इन तमाम मामलों को कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया, फॉर्मुलेट किया गया, और इसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं अपन। क्या करते हैं, कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। सी, अब यहां पे अपने को एक चीज समझनी है कि ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद आपके कुछ रिजल्ट्स आएंगे, बराबर है। अगर आप ये कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे तो आपके सामने कुछ रिजल्ट्स आएंगे। अगर वो रिजल्ट आपका लेस देन जीरो हुआ, अगर वो आपका जो भी रिजल्ट है वो लेस देन जीरो रहा, तो उसे कैसे इंटरप्रेट किया जाए उस रिजल्ट को, सिंपली आपका जो ए ऑफ टी रहेगा, यानी कि जो आपका एक्स टी वाई टी है, जो पॉइंट है, वो आप समझ लो कि वो आपके क्लिपिंग विंडो के इनसाइड है। रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन समझ में आ रहा है आपको, कि अगर वो लेस देन जीरो है तो भैया आपका ए ऑफ टी जो है वो इनसाइड है टू द क्लिपिंग विंडो, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो आपका ए ऑफ टी आउटसाइड है ऑफ द क्लिपिंग विंडो। सिंपल सा मामला है, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल टू है तो, अगर इक्वल टू है तो बड़ा मजेदार किस्सा है यहाँ पे। अगर वो इक्वल टू है तो मतलब हमें जो चाहिए वो हमें यहाँ पे मिलने वाला है, विच इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन पॉइंट जिसमें अपन इंटरेस्टेड हैं। तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है भाई साहब अपने को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, कैसे वो अभी अपन आगे यहाँ पे देखने वाले। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ये जो मेरी एग्जिस्टिंग इक्वेशन है या फॉर्मूला है जो भी है भाई, इसमें थोड़ा सा ना छेड़छाड़ करता हूँ, मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूँ। मतलब ये जो ए ऑफ टी है इसको मैं थोड़ा एक्सपांड करता हूं, कैसे, बिकॉज बेसिकली आपका ए ऑफ टी इज नथिंग बट दिस, सही बात है। तो मैंने क्या किया, उसको एक्सपांड कर दिया और यहां पे रख दिया, आई हैव जस्ट केप्ट इट हियर। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सारे दरवाजे खोल दो, यानी कि जो भी ब्रैकेट्स है उन सभी को खोल दो। अब अगर ब्रैकेट्स खोल दिए तो ये भाई साहब अंदर आ जाएंगे ना, अंदर आ जाएंगे एनआई भाई साहब, अंदर आ जाएंगे। तो एनआई भाई साहब जब अंदर आ जाएंगे तो कुछ इस तरीके से नजारा बन जाएगा, आपको समझ में आ रहा है, कुछ इस तरीके से जो है वो नजारा बन जाएगा। ये सारा प्रोसेस अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब अपने को वो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि इन द केस अगर आपका वो इक्वल टू जीरो आता है, तो देखिए मैंने यहां पे इक्वल टू जीरो लगाया है, आप देख सकते हो मैंने इक्वल टू जीरो लगाया हुआ है, बात समझ में आ रही है। तो इन द केस या फिर मैं कहूं इन दिस केस, जब वो मेरा रिजल्टेंट इस पर्टिकुलर पार्ट का जीरो आता है, तो मैं उसको इक्वेट टू जीरो करके मुझे टी फाइंड आउट करना है। अब इस टी तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या छेड़छाड़ इस एग्जिस्टिंग फॉर्मूला या इक्वेशन के साथ करनी पड़ सकती है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया भैया, एनआई को बोला भैया दरवाजे खोल दो, उसको अंदर आने दो, अंदर आ गया तो कुछ इस तरीके का नजारा अपने को दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, ये वाला जो पार्ट है इसको इधर ही रखा, इस वाले पार्ट को इधर ही रखा, और ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो है उसको मैंने उधर भेज दिया, मतलब कि राइट हैंड साइड पे भेज दिया और इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखा, तो कुछ इस तरीके का नजारा आपके सामने आ गया। अब क्या करना है, बड़ा सिंपल है यार, अपन किस में इंटरेस्टेड है, टी को फाइंड करने में इंटरेस्टेड है, सही बात है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों में से टी कॉमन निकाल लिया, यहां पे कॉमन क्या है, एनआई कॉमन है, तो एनआई कॉमन निकाल लिया। अब मैंने क्या किया, ये वाला जो पार्ट था इसको उधर भेज दिया राइट हैंड साइड पे, तो वो चला गया। इस तरीके से अपनी जो इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो अपनी टी की इक्वेशन है वो यहां पे अपने को जो है प्राप्त हो चुकी है। तो दोस्तों यहां तक तो पहुंच गए, अब यहीं रुके तो रहना नहीं है, आगे बढ़ना है, कंक्लूडिंग पॉइंट तक अपने को जाना है। तो देखो यार यहां पे ना अपने को फोकस करना है डिनोमिनेटर पे, ये जो इक्वेशन आ गई इसके डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, लेट से डिनोमिनेटर डी, ठीक है। अब इसमें भी कुछ कंक्लूजन आप निकाल सकते हो इस रिजल्ट से, जो भी आपको आंकड़े मिलेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू अपन देखने वाले हैं, कि जब कुछ आंकड़े आपको मिलेंगे तो उसके डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उससे भी कुछ कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। कि मान लीजिए अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू लेस देन जीरो है तो आप उसको क्या बोलोगे, व्हाट यू विल से दैट इट इज अ एंटरिंग पॉइंट, इट इज अ एंटरिंग पॉइंट, बराबर है। अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर देन जीरो है तो सिंपल सी बात है वो लीविंग पॉइंट है, क्या है वो, लिविंग। तो एंट्रिंग और लिविंग ये दो कैटेगरीज आपकी यहां पे बन जाती है बेस्ड अपॉन द डिनोमिनेटर रिजल्ट, की वो लेस देन है या फिर ग्रेटर देन जीरो है। यहां तक अपने को मामला जो है समझना है। अब ये मान लीजिए मैंने टी वन के लिए फाइंड किया, बराबर, मतलब दिस पर्टिकुलर एज टी वन, ओके, इसके लिए भैया मतलब कि मेरा जो एज वन है उसके लिए टी वन निकला। सिमिलर वे में एज टू के लिए भी आपका टी टू निकलेगा, एज थ्री के लिए भी आपका टी थ्री निकलेगा। अब यहां पे जो भी टी वन टी टू टी थ्री आपको प्राप्त होगा उसके डिनोमिनेटर में अपन इंटरेस्टेड है, ये तो मैंने बात पहले ही क्लियर कर दिया था। तो मान लीजिए इसका डिनोमिनेटर जो है, जस्ट एक अजम्पशन के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे मान लीजिए
T1 में, ओके, जो आपका डिनोमिनेटर है वो लेस देन जीरो आ गया, मतलब यहां पे मैं एंटरिंग की बात कर रहा हूं, एंट्रिंग की बात। यहां पे मान लीजिए T2 में जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो यहां पे लीविंग की बात कर रहा हूं। और यहां पे जो है मान लीजिए जो आपका डी है वो ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो यहां पे भी मैं लीविंग की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों अगर आप इस सिचुएशन को गौर से देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि यार यहां पे दो लीविंग पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें से किसी एक को ही कंसिडर करना है ना, लीविंग पॉइंट कोई एक ही कंसिडर आपका होना चाहिए। तो भैया वो T2 या T3 कौन सा होना चाहिए, ये अपने को समझ में आना चाहिए कि विच ऑफ देम वी हैव टू सिलेक्ट, क्योंकि यहां पे दो लीविंग पॉइंट आपको दिख रहे हैं। तो आपको करना सिंपल सा ये मामला है कंपैरिजन, आपको क्या करना है कंपैरिजन करना है, और इन दोनों में से जो भी स्मॉलेस्ट होगा, जो भी सबसे छोटा होगा उसको सिलेक्ट कर ले। और दोस्तों अगर आप इस सिचुएशन में देखोगे तो अपने को एंट्रिंग पॉइंट में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बिकॉज वो इकलौता वहां पर मौजूद है, तो अपन T1 कंसिडर कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए सिचुएशन उल्टी है, मतलब आपका T1 जो है वो लीविंग है और बाकी सारे के सारे जो है, मतलब ये जो दो आपके T2 एंड T3 है वो आपके एंट्रिंग दिखा रहे हैं, एंट्रिंग पॉइंट दिखा रहे हैं। अब उस केस में क्या किया जाए, क्योंकि कंफ्यूजन तो यहां पे क्रिएट हो गया है, तो यहां पे इस केस में अपन ग्रेटेस्ट वाला जो होगा वो कंसिडर करते हैं, मतलब सबसे बड़ा कौन। ओके, तो जब लीविंग पॉइंट की बात आती है तो अपन सबसे छोटा कौन, स्मॉलेस्ट की बात करते हैं, उसको पिक करते हैं। और जब यहां पे आपका एंट्रिंग पॉइंट की बात आती है तो अपन ग्रेटेस्ट की बात करते हैं, भैया सबसे बड़ा कौन, और जो भी सबसे बड़ा होगा, मान लीजिए T3 यहां पे सबसे बड़ा है, तो अपन उसको जो है पिक कर लेंगे एज अ एंट्रिंग पॉइंट। और यहां पे फिर उस सिचुएशन में लिविंग पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज वो इकलौता यहां पे T1 आपको दिखाई दे रहा है। सो वी विल सिलेक्ट वन एंट्रिंग पॉइंट, वी विल सिलेक्ट वन लिविंग पॉइंट, ठीक है। अब उससे अपने को जो है दो टी की वैल्यू मिलेंगी, क्या मिलेंगी, दो टी की वैल्यू मिलेंगी। लेट से मेरा जो यहां पे एंट्रिंग पॉइंट है इस सिचुएशन के हिसाब से वो T2 है, और जो लिविंग पॉइंट है वो तो दिख रहा है आपको, क्लियर है, सामने है, वो T1 है। तो ये दो टी की वैल्यू अपने को मिल गई, T2 एंड T1, ये एंट्रिंग है, ये लिविंग है, बराबर है। इस टी की वैल्यू को आपको यहां पर पुटअप करना है, इस टी की वैल्यू को आपको यहां पर पुटअप करना है, दैट्स इट, यू विल गेट ए ऑफ टी। What do we mean by you will get a of t? That means you will get x t y t. मतलब आपको यहां पे ये वाला एक पॉइंट मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ वन टी वैल्यू, और यहां पे एक और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ अदर टी वैल्यू। बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से यहां पे ये पूरा साइरस बेक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम काम कर रहा है। ये आइडिया आपकी और थोड़ी सी रिफाइन होगी, अच्छी होगी, आपको और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी जब अगले वीडियो में भैया इसी मुद्दे के ऊपर, इसी एल्गोरिथम के ऊपर अपन एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो तब तक दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, आपकी मदद हो गई होगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।